Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. I'm going to discuss about the sixth module of pathology. So let's get started with the sixth module of pathology. So here's a slide, and today we are going to discuss about some major disease of horticulture crop. As we have completed the major disease of field crop, जो field crop की major diseases थी वो हम discuss कर चुके हैं. अब हम जो है major horticulture crop की जो disease होंगी उनको discuss करेंगे, which is very important from the exam point of view. तो आज सबसे पहले हम discuss करेंगे banana की disease को, ठीक है. और banana में सबसे पहले discuss करेंगे panama disease. देखिए, panama disease को panama wilt के नाम से भी जाना जाता है. panama wilt basically से कहते हैं, या fusarium wilt. Fusarium basically is the causal organism pathogen which is caused by Fusarium oxysporium. मतलब जो panama disease होती है ये cause होती है Fusarium oxysporium से, इसीलिए इसे Fusarium wilt भी कहा जाता है. देखिए, इसके जो symptoms होते हैं basically ये जो होते हैं yellowing of lower leaves. देखिए पहली वाली image देखिए, जो लीव्स होती है उनका जो लोअर पोर्शन होता है वो येलो होने लगता है, और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है ये जो येलो कलर होता है ये अपर सरफेस पे भी अकर होने लगता है. अपर सरफेस पे अकरिंग के बाद जो है ये स्यूडोस्टम, देखिए जब सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो जो लीव्स होती है स्यूडोस्टम के पास, देखिए ये जो है स्यूडोस्टम है, इसके पास जो लीव्स होती है वो भी जो है अफेक्टेड होने लगती है, उनमें इन्फेक्शन होने लगता है. स्यूडोस्टम में लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होने लगती है कुछ इस तरह से. देखिए ये जो स्प्लिटिंग हो रखी है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग है जो कि सीवियरिटी के कारण होने लगती है. डिसकलरेशन होने लगता है, देखिए जैसे येलोइंग हो रही है उसी तरह से, इस तरह से देखिए ड्राई होने लगती है. धीरे धीरे जो कलर होता है प्लांट का वो चेंज होने लगता है, तो दैट इज बेसिकली डिसकलरेशन. उसके बाद देखिए ये जो तीसरी इमेज है ये एक स्यूडोस्टम की इमेज है जो इन्फेक्टेड स्यूडोस्टम है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है जब उसमें इन्फेक्शन जो है वो सीवियर होने लगता है. तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं पनामा विल्ट के, और पनामा विल्ट बहुत ही मेजर, बहुत ही सीवियर डिजीज है बनाना की, ठीक है. देखिए उसके बाद इसके सिम्टम्स के बाद बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की. देखिए एक होता है कि जो डिजीज है किस टाइप की डिजीज है, जैसे सॉइल बॉर्न है या एयर बॉर्न है. यहाँ पे ये जो डिजीज है ये सॉइल बॉर्न डिजीज है. देखिए इसका जो पैथोजन होता है किस तरह से स्प्रेड आउट होता है. देखिए अगर फील्ड में जो है निमेटोड की पॉपुलेशन है, निमेटोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं रूट पोर्शन में जो है रूट पोर्शन को हार्म करते हैं, ठीक है. और उन वुंड्स के थ्रू जो है पैथोजन एंटर करता है, फ्यूजरियम ऑक्सिस्पोरियम एंटर करता है प्लांट में और इन्फेक्शन को क्रिएट करता है. तो ये जो है ये जो डिजीज है ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज है. इसका जो इन्फेक्शन होता है वो प्राइमरी, जो इसका सोर्स होता है इन्फेक्शन का प्राइमरी सोर्स वो होता है इन्फेक्टेड सकर्स, इन्फेक्टेड सकर्स या राइजोम्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है. और इसका जो सेकेंडरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स वो होता है इरिगेटेड वाटर, इन्फेक्टेड इरिगेटेड वाटर. अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इट इज, मतलब किस टाइप की डिजीज है, मतलब सॉइल बॉर्न है एयर बॉर्न है, तो आपका आंसर होगा कि डिजीज इज सॉइल बॉर्न, ठीक है. लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, तो ट्रांसमिशन का प्राइमरी सोर्स है इन्फेक्टेड राइजोम्स, ठीक है. जो राइजोम एज अ प्लांटिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं वो इसका सोर्स होते हैं प्राइमरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स होता है इन्फेक्टेड वाटर. तो इसमें जो है डिफरेंस है, ये भी एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है. इसीलिए आपको एक डिजीज में जो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए वो ये, सबसे पहले कि उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, डिजीज किस तरह की है, सॉइल बॉर्न है एयर बॉर्न है, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, ये आपको पता होना जो है नेसेसरी है, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं देखिए इसके मैनेजमेंट की. देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है इन्फेक्टेड पार्ट्स जो होते हैं उन्हें फील्ड से रिमूव करना, ठीक है. और जो ससेप्टेबल कल्टीवार्स होते हैं जैसे रसथाली, मॉन्थन, रेड बनाना, वीरूपक्षी, ये जो है ससेप्टेबल होते हैं. ससेप्टेबल का मतलब होता है दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन. देखिए ससेप्टेबल वर्ड का मतलब होता है दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फील्ड में जो है रसथाली कल्टीवार लगाया गया है तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा पैथोजन के लिए, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम के लिए. ये जो पैथोजन होगा इजीली अटैक कर पाएगा रसथाली को. अगर उसी के अपोजिट अगर पुवन फील्ड में लगाया गया है, पुवन कल्टीवार अगर फील्ड में लगाया गया है, तो ये पैथोजन जो है
पुअन कल्टीवार को अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज पुअन इज द रेजिस्टेंट फॉर पनामा विल्ट. तो ये डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस में और आपके ससेप्टेबिलिटी में. ठीक है, तो ससेप्टेबल जो कल्टीवार्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है और रेजिस्टेबल जो होते हैं उनको ग्रो किया जाता है. उसके बाद नेमेटोड की पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल किया जाता है. देखिए कॉर्म जो होता है कॉर्म को इंजेक्ट किया जाता है 3 ml और 2% ऑफ कार्बन डाइजिम से, ठीक है, इन द कॉर्म बाय मेकिंग अ होल टू अ डेप्थ ऑफ 10 cm एंड 45 degree एंगल में किया जाता है ऑन 5th to 7th month. 5 और 7 month का जब प्लांट होता है उस टाइम पे ये ऑपरेशन किया जाता है कॉर्न पोर्शन में. तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है. तो ये थी पनामा विल्ट डिजीज. नाउ विल मूव फर्दर. देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है बनाना की वो है मोको डिजीज. देखिए मोको डिजीज जो है ये स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम से होती है या जो है बुरखोल्डेरिया. बुरखोल्डेरिया जो है इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है. ये दोनों ही जो स्पीसीज है कॉज करती है मोको डिजीज. देखिए आपको एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से रेज हो सकता है. आपको पूछा जा सकता है कि मोको डिजीज किस प्लांट की या किस क्रॉप की डिजीज है. तो आपको पता होना चाहिए कि मोको जो है वो बनाना की डिजीज है. तो देखिए मोको के जो सिम्टम्स होते हैं वो लीव्स में, देखिए लीव्स जो है वो येलो कलर की होने लगती हैं और धीरे धीरे जो है अपवर्ड्स जो है वो कलर जो है पूरा लीव को जो है कवर कर लेता है. देखिए पेट्योल जो होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं. देखिए ये देखिए लीव जो है वो ब्रेक हो रही है. जो पेट्योल से यहां से जो लीव होती है वो ब्रेक होने लगती है. जब इन्फेक्शन होता है हैंग हो जाती है कुछ इस तरह से. देखिए ये देखिए लीव हैंग हो रही है. ये इन्फेक्टेड लीफ है तो ये देखिए ये नीचे की तरफ जो है झुक गई है. हैंगिंग टाइप जो है अपीयरेंस दे रही है. उसके बाद देखिए डिस्कलरेशन होने लगता है. सेंट्रल पोर्शन जो होता है कॉम का उसमें जो है डिस्कलरेशन होता है कुछ इस तरह से. देखिए ये वाला जो इमेज है और इंटरनल रॉटिंग जो होती है फ्रूट की. देखिए ये वाला जो इमेज है देखिए यहां पे देखिए इंटरनल रॉटिंग जो है वो फ्रूट की हो रही है. तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं मोको डिजीज के. अब बात करते हैं देखिए इसके मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल की. देखिए ये जो डिजीज है ये भी एक सॉइल बॉर्न डिजीज है. ये तो जो पैथोजन होता है वो सॉइल में काफी टाइम तक जो है सर्वाइव करता है. और देखिए ससेप्टेबल होस्ट जैसे बनाना और हेलिकोनिया स्पीसीज जो होती है इनमें सर्वाइव करता है और सॉइल में भी काफी टाइम तक जो है ये रिटेन रहता है. तो डिजीज किस टाइप की है? डिजीज है सॉइल बॉर्न डिजीज. ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं मैनेजमेंट की. देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है सॉइल को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में ताकि सॉइल से जो हार्मफुल पैथोजन है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके. ठीक है, सॉइल को स्टरलाइज किया जाता है. ठीक है, गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज जो है फील्ड में होनी चाहिए. सॉइल में जो वाटर है वो ज्यादा जो है वाटर लॉक कंडीशन जो है वहां पे नहीं आनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो है क्लीन प्लांटिंग मटेरियल जो है यूज किया जाना चाहिए. फील्ड में जो प्लांट डेब्रिस होते हैं प्रीवियस क्रॉप के जो डेब्रिस होते हैं उनको क्लीन जो है किया जाता है ताकि इन्फेक्शन जो है वो सॉइल में रिमेन ना रहे. जो पैथोजन है वो सॉइल में सर्वाइव ना कर सके. तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है. ठीक है, और देखिए डिजीज सॉइल बॉर्न है तो सॉइल को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिजीज जो है जो पैथोजन होता है वो सॉइल में जो है काफी टाइम तक सर्वाइव करता है. इसीलिए सॉइल का स्टरलाइजेशन सॉइल को सन में जो है एक्सपोज करना दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो ये है मोको डिजीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है टिप हुक और हार्ट रॉट जिसे कहा जाता है जो कि कॉज होती है इरविनिया कैरेटोवोरा से. ठीक है, इसकी सब स्पीसीज है कैरेटोवोरा. तो ये जो है डिजीज बनाना की टिप हुक इसमें जो सिम्टम्स होते हैं देखिए बेस जो स्यूडोस्टर्म का होता है और अपर पोर्शन जो होता है कॉम का दैट इज अफेक्टेड एंड लीड्स टू रॉटिंग. देखिए कुछ रॉटिंग इस तरह से होती है. ये जो वाला जो इमेज है देखिए यहाँ पे जो है स्यूडोस्टर्म की रॉटिंग स्टार्ट हो गई है और ये देखिए लीव ये देखिए पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन ये जो है ड्राई हो गया है. तो ये इन्फेक्टेड प्लांट है, ये भी इन्फेक्टेड प्लांट है. देखिए इन्फेक्टेड प्लांट कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है शो करता है और यंग प्लांट 1 to 3 month ओल्ड प्लांट जो होते हैं वो बेसिकली ससेप्टेबल होते हैं ड्यूरिंग द समर मंथ्स टुवर्ड्स दिस डिजीज. टिप हुक टिप ओवर और हार्ट रॉट जिसे कहा जाता है ये डिजीज जो होती है समर मंथ्स में बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट होती है और जो यंग प्लांट होते हैं अराउंड 1 to 3 months के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है ससेप्टेबल होते हैं. अब देखिए
अगर बात की जाए इसके मैनेजमेंट की, तो कि मैनेजमेंट में सबसे पहले जो डिजीज वाले जो सकर्स होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट जो होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो है इन्फेक्टेड है तो इसे रिमूव कर दिया जाएगा प्लांट से, और ये जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं इनको जो है बर्न कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि इस ये जो है इन्फेक्शन को आगे फर्दर सीवियर ना करें या इन्फेक्शन को पूरे फील्ड में जो है स्प्रेड आउट ना करें। उसके बाद देखिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं, ड्रेंच विद मेथोजाई इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है 0.1 और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट्स हाइपोलोराइट नॉट क्लोराइड, इट्स हाइपोलोराइट 10% और ब्लीचिंग पाउडर 2 ग्राम पर लीटर ऑफ पर ट्री जो है इसका मैनेजमेंट जो है दिया जाता है जब ये डिजीज जो है फील्ड में रिपोर्ट की जाती है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है टिप ओवर और हार्ट रॉट के लिए। तो ये थी बनाना की डिजीज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है बनाना की, वो है सिगाटोका डिजीज, जो कि एक बहुत ही सीवियर और इंपॉर्टेंट डिजीज है बनाना की, जो कि माइकोस्पोरेला म्यूजिकोला से जो है कॉज होती है, या फिर से जो है सर्कोस्पोरा म्यूजेई भी कहा जाता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। कहीं पे आपको जो है सर्कोस्पोरा म्यूजेई मिलेगा, कहीं पे आपको माइकोस्पोरेला म्यूजिकोला मिलेगा, तो ये दोनों ही जो है सिनोनिम्स आप इसे बोल सकते हैं, इन दोनों ही इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण जो है ये डिजीज बनाना में कॉज होती है। देखिए इसके सिम्टम्स जो होते हैं लीव्स में कुछ इस तरह से जो है शो होते हैं, ये ब्राउन कलर के पैचेस जो है इस तरह से ब्राउनिश कलर के और नैरो कलर के स्ट्रीक जो है अपेयर होते हैं लीव्स में, और ये पूरी ही लीव्स को देखिए डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है इन्फेक्शन आपका जो है अपेयर होता है, और धीरे धीरे ये इन्फेक्शन देखिए धीरे धीरे जो है ये पूरी लीव में जो है ये इन्फेक्शन कवर हो रहा है, ठीक है। ब्लैक स्पेक्स ब्लैक कलर के कुछ इस तरह से देखिए, जब ब्राउन जो है सीवियर होने लगता है तो धीरे धीरे ये ब्लैक कलर का अपीयरेंस देने लगता है, ठीक है। जो फंगस होता है उसके जो फ्रूटिफिकेशन होते हैं, जो कोनिडिया होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो ऑल ओवर द इन्फेक्टेड पार्ट जो है विजिबल होने लगते हैं, अफेक्टेड लीव्स में जो है अपेयर होने लगते हैं, और रैपिडली ड्राइंग होने लगती है प्लांट की जो है जो फोलिएशन होता है, जो फोलियर होता है प्लांट का, उसका डिफोलिएशन होने लगता है, वो जो है ड्राई होने लगता है, विदर होने लगता है जैसे जैसे सीवियरिटी जो है बढ़ती जाती है। तो ये जो है सिगाटोका डिजीज के जो है सिम्टम्स होते हैं, ये जो इसके स्पॉट्स हैं ये एनलार्ज होते जाते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। पहले ही जो है ये येलो कलर के सिम्टम्स जो है शो करता है, धीरे धीरे ब्राउन कलर के होते जाते हैं, और जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो कुछ ब्लैक कलर के कुछ इस तरह के जो है ये दिखाई देने लगते हैं। देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो देखिए प्रोपिक्योनाजोल और कार्बेंडाजिन 0.1% या क्लोरोथेनोलिल का जो है स्प्रे किया जाता है 0.25%। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, और जो इन्फेक्टेड लीव्स होती है, इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं, उन्हें जो है इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देखिए इस तरह से अगर लीफ पूरी इन्फेक्ट हो गई है तो पूरी लीफ को जो है रिमूव कर दिया जाता है प्लांट से, ताकि इन्फेक्शन जो है सीवियर ना हो सके। क्लीन जो है फील्ड को बेसिकली रखा जाता है। तो ये सारे जो हैं इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस डिजीज के बारे में कि ये जो डिजीज है सिगाटोका डिजीज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है नैनीताल बैंक का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिगाटोका डिजीज जो है वो किस क्रॉप की डिजीज है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट डिजीज जो है वो है सिगार एंड रॉट। देखिए सिगार एंड रॉट इस डिजीज को इसलिए कहा जाता है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो बेसिकली सिगार की तरह, जो जली हुई सिगार होती है उसकी तरह होता है, उसका जो पिस्टल एंड पोर्शन जो होता है, देखिए ये जो एंड पोर्शन होता है फ्रूट का, जो एंड पोर्शन होता है वो बर्निंग लाइक अपीयरेंस देता है, और ये वर्टिसेलियम थ्यूबोमे से जो है कॉज होता है, ये सारे ही जो है इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सिगार एंड रॉट के ये सिम्टम्स होते हैं, ब्लैक कलर के नेक्रोसिस स्प्रेड होते हैं पेरियंथ इनटू टिप इमेच्योर फिंगर। देखिए जो इमेच्योर फिंगर होती है उनके टिप पे जो एंड पोर्शन होता है उस पे कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है अपेयर होने लगते हैं। देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे सिगार जल रही है, इसलिए जो है इसको कहा जाता है सिगार एंड रॉट। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है फ्रूट पे दिखाई देने लगते हैं, फ्रूट देखिए जो फ्रूट होता है वो इस तरह के सिम्टम्स अपेयर होता है, रॉटिंग बेसिकली फ्रूट की जो है होने लगती है, जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, बनाना फिंगर वो ड्राई होने लगती है, रॉटिंग उनमें होने लगती है,
और ये देखिए सिमिलर टू एश, एश जो होता है ठीक है सिगार का, उस तरह से जो है इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं ठीक है। जला हुआ जली हुई सिगार जिस तरह से होता है उस तरह के जो है ये सिम्टम्स अपेयर करता है फ्रूट के ऊपर, इसीलिए इसे कहा जाता है सिगार एंड रॉट। तो ये जो है इसके बेसिकली सिम्टम्स होते हैं ठीक है। देखिए ये फ्रूट है, इसमें भी जो है इसका ये वाला पोर्शन देखिए कुछ इस तरह के जो है ब्लैक सिम्टम्स ही देता है। ये देखिए एंड वाला जो पोर्शन होता है या जो इमेच्योर फिंगर्स होती हैं उनमें भी कुछ इस तरह से जो है ब्लैक ब्लैक कलर के जो है बर्निंग लाइक अपीयरेंस जो है ये देता है। तो ये इसके ये जो है सिम्टम्स होते हैं ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके कंट्रोल की। देखिए कंट्रोल के लिए जो पिस्टल होते हैं, पर्यंत होते हैं ठीक है, 8 to 10 days की आफ्टर बंच फॉर्मेशन, तो उन्हें जो है रिमूव कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है पूरा ही बंच इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस बंच को जो है इमीजिएटली रिमूव कर दिया जाता है और स्प्रेइंग की जाती है देखिए विद डाइथेन M45 0.1% और टॉप्सिन M0.1% की जो है इसके लिए स्प्रे किया जाता है। अगर इसकी अगर ये जो है फील्ड में रिपोर्ट किया जाता है किसी प्लांट में, तो उस पूरे ही फील्ड में जो है ये स्प्रे किया जाता है ताकि डिजीज जो है वो स्प्रेड आउट ना हो। तो दिस इज द मैनेजमेंट और द कंट्रोल प्रैक्टिसेस फॉर द सिगार एंड रॉट ऑफ बनाना ठीक है। तो ये थी डिजीज सिगार एंड रॉट जो कि वर्टिसिलियम थियोब्रोमेट से जो है कॉज होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है बनाना की वो है एंथ्रेक्नोज डिजीज। बहुत ही कॉमन डिजीज है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली कॉज होने वाली डिजीज है। ये जो है ग्लोस्पोरियम ग्लोस्पोराइड से जो है कॉज होती है। दिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं देखिए सिम्टम्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, फ्रूट के ऊपर कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है दिखाई देते हैं और जब ये सीवियर होते हैं तो पूरे के जो बंच के बंच होते हैं वो इस तरह के ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये जो है सीवियरिटी होती है एंटायर फ्रूट बंच जो होता है वो अफेक्ट जाता है सीवियर केस में ठीक है। स्किन जो होती है वो बेसिकली आपकी स्किन श्रिवल होने लगती है और ब्लैक कलर की हो जाती है कुछ इस तरह से। देखिए ये स्पॉट जो दिख रहे हैं ये एंथ्रेक्नोस के हैं। और देखिए ये जो है सीवियरिटी बढ़ने पे जो कोनिडिया होते हैं उनके स्पोर्स ऑल ओवर दी फ्रूट जो है उनके स्पोर्स विजिबल होते हैं, जो कोनिडियाज होते हैं इन्फेक्शन के वो दिखाई देते हैं और एंटायर बंच जो है वो पूरा जो है इन्फेक्ट हो जाता है ठीक है। समटाइम्स जो है स्टॉक बंच डिजीज जो है ये जो है मेन बंच में भी जो है दिखाई देती है और बंच बिकम ब्लैक एंड रॉटन। ये देखिए ये वाला जो इमेज है पूरा ही बंच जो है वो रॉट होने लगता है, उसके टिश्यूज जो होते हैं वो डेड पड़ने लगते हैं। तो ये जो है बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं एंथ्रेक्नोस के। अगर मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की बात की जाए तो जो डिजीज होती है बेसिकली वो एयर बॉर्न डिजीज है ठीक है। जैसे हमने जो पिछली डिजीज पढ़ी थी वो सॉइल बॉर्न थी, उसी तरह से ये जो डिजीज है एयर बॉर्न डिजीज है। और ये जो है न्यूमरस इंसेक्ट्स जो होते हैं फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं बनाना फ्लावर में और इस डिजीज को जो है इंफेक्ट करते हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए डिजीज किस टाइप की है एंथ्रेक्नोस, तो इट इज एयर बॉर्न डिजीज। लेकिन अगर इनका ट्रांसमिशन का पूछा जाए कि किस तरह से जो है ये ट्रांसमिट होती है, तो ये इंसेक्ट का जो प्राइमरी सोर्स है इंफेक्शन का वो जो है इंसेक्ट होते हैं जो कि इस डिजीज को स्प्रेड आउट करते हैं ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल है। अगर बात की जाए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, तो देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में पोस्ट हार्वेस्ट डिपिंग की जाती है फ्रूट्स की कार्बेंडाजिम 400 ppm और बेनोमाइल 1000 ppm, या फिर जो है जो नेक्स्ट जो केमिकल है लेट मी रिमूव इट यस ऑरियो फंजिसोल, ये जो है 100 ppm यूज किया जाता है। ये देखिए पोस्ट हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब जब फ्रूट को फील्ड से हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद जो है इसकी डिपिंग की जाती है, फ्रूट को डिप किया जाता है इन सारे केमिकल्स में ताकि डिजीज से जो है डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके, उसके इंफेक्शन को जो है डिस्ट्रॉय किया जा सके ठीक है। तो ये थी डिजीज एंथ्रेक्नोज ऑफ बनाना। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है फ्रिकल ब्लैक स्पॉट। फ्रिकल ब्लैक स्पॉट डिजीज ऑफ बनाना, फ्रिकल और ब्लैक स्पॉट दोनों ही एक ही डिजीज का नाम है, जो कि कॉज होते हैं फाइलोस्टिक्टिना म्यूजेरम से। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, माइन्यूट रेज डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट जो होते हैं वो अपेयर होते हैं सेंट्रल लीव्स में और फ्रूट में। ये कुछ इस तरह से लीफ पोर्शन में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और फ्रूट में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। बहुत ही कॉमन है ये जो है, नॉर्मल भी जो राइप फ्रूट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के स्पॉट्स जो होते हैं दिखाई देते हैं जब फ्रेकल या ब्लैक स्पॉट डिजीज जो है कॉज होती है।
बनाना में, ठीक है। और ये जो फंगस होता है, ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से फ्रूट पैथोजन जो है वो स्किन में को इन स्किन में ही बेसिकली जो है ये इन्फेक्शन को कॉज करता है। देखिए ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो फंगस होता है, ये बेसिकली प्लांट डेब्रिस जो होते हैं उनमें सर्वाइव कर जाता है। मतलब सॉइल में जो प्लांट डेब्रिस होते हैं वो जो है बेसिकली पैथोजन जो है वहां सर्वाइव करता है, और उसके कारण जो है ये इन्फेक्शन जो है वो कॉज होता है, ठीक है। और जो इसका स्प्रेड आउट होता है, डिजीज का जो स्प्रेड आउट होता है वो बेसिकली रेन वाटर और विंड से होता है। इसका जो सोर्स होता है इन्फेक्शन का वो होता है रेन वाटर एंड विंड, ठीक है। और इसका सर्वाइवल जो होता है, पैथोजन जो सर्वाइव करता है, बेसिकली पैथोजन सर्वाइव कर पाता है प्लांट डेब्रिस में। मतलब अगर किसी प्लांट के इन्फेक्टेड डेब्रिस जो है सॉइल में है या फील्ड में है तो वो पैथोजन जो है सर्वाइव कर जाएगा फील्ड में, तो ठीक है। ये इसके जो है बेसिकली सोर्स होते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल था। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25%, ठीक है, 0.25% ये जो है बेसिकली यूज किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। और कुछ वेटिंग एजेंट, ठीक है, टी पोल और सेंडो वाइट एडिट किए जाते हैं द रेट ऑफ 1 ml/L ऑफ वाटर। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है फ्रेकल और ब्लैक स्पॉट के लिए, ठीक है। तो ये थी बनाना की फ्रेकल एंड ब्लैक स्पॉट डिजीज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है बनाना की वो है बनाना बंची टॉप, या बनाना बंची टॉप वायरस इसे कहा जाता है। एक वायरल डिजीज है जो कि कॉज होती है एफिड से। एफिड इसका वैक्टर है, ठीक है, वैक्टर मतलब मीडियम है जिससे जो है डिजीज ट्रांसमिट होती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए ये जो है प्लांट जो है एक्सट्रीमली स्टंटेड ग्रोथ शो करता है, एक्सट्रीमली स्टंटेड ग्रोथ शो करता है जब इन्फेक्टेड होता है। जो टिश्यूज होते हैं ग्रीन कलर के, वेन्स जो होती हैं लीव्स की, पेट्योल्स जो होते हैं वो बेसिकली डार्क ब्राउन कलर के कुछ इस तरह से हो जाते हैं। ये जो पहली इमेज देखिए, इसमें देखिए लीव्स के जो कलर है वो ब्राउन कलर का ड्राई हो रही है, डार्क ब्राउन कलर का जो है सिम्टम्स शो हो रहे हैं। प्लांट्स जो है स्टंटेड ग्रोथ शो करने लगता है। जो लीव्स होती हैं वो क्राउडेड एट द टॉप, ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, क्राउडेड एट द टॉप मतलब प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कुछ जो है बंच टाइप और जो है एक कलेक्टिव नेचर जो है शो करती हैं टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे विल प्रोड्यूस नो बंच, ठीक है, मतलब बंच जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, या जो बंच होगा वो बहुत ही ज्यादा जो है स्मॉल होगा साइज में। जो लीव्स का साइज होता है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और क्लोरोटिक टाइप सिम्टम्स जो है ये देने लगते हैं। लीव्स जो है बेसिकली डिस्कलरेशन लीव्स का होने लगता है, लीव्स ब्रिटल होने लगती हैं और विदर हो जाती हैं, विदर होके जो है गिरने लगती हैं। देखिए ये भी जो है इन्फेक्टेड प्लांट है। देखिए लीव्स देखिए ब्राउन कलर के सिम्टम शो कर रही है, यहाँ पे भी देखिए विदरिंग जो है लीव्स की हो रही है। तो ये सारे जो है इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं जो कि सिम्टम शो करते हैं। लीव्स में जो है बेसिकली इसके सिम्टम शो होते हैं। और ये जो डिजीज होती है, अगर इसके प्राइमरी सोर्स की बात की जाए, प्राइमरी सोर्स, ठीक है, तो ये जो इन्फेक्टेड सकर्स होते हैं वो जो है प्राइमरी सोर्स होते हैं इन्फेक्शन का। और सेकेंडरी जो होता है वो एफिड होता है, ठीक है। एफिड जो है सेकेंडरी सोर्स है इन्फेक्शन को कॉज होने का, और साथ ही में जो है इस डिजीज का वेक्टर भी है, ठीक है। हर वायरल डिजीज का जो है वेक्टर होता है, वेक्टर जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज को। तो ये जो है इन्फेक्टेड सकर्स और एफिड, ये इन्फेक्टेड सकर प्राइमरी सोर्स है डिजीज का, और सेकेंडरी है एफिड, जो कि आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बंची टॉप जो डिजीज है उसका वेक्टर क्या है। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर क्या है, तो वेक्टर इसका जो है एफिड होता है, ठीक है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है एफिड की, उसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मिथाइल डेमोटॉन का 1 ml और या फिर मोनोक्रोटोपोस का 2 ml/L वाटर में, या फॉस्फोमिडोन का 1 ml/L ऑफ वाटर में, या जो है इंजेक्शन ऑफ मोनोकोटोपोज 1 ml/plant दिया जाता है। तो ये जो है बेसिकली इंसेक्ट है एफिड, तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है यूजिंग 4 ml ऑफ 2,4-D या 50 g in 400 ml of water। तो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को जो है
डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये सारे जो है इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में पॉपुलेशन को, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, साथ में जो है इन्फेक्टेड पार्ट्स को रिमूव करना, क्लीन जो है प्लांटिंग मटेरियल को यूज करना, जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करना, जो सारे इन्फेक्ट, अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल है तो उसे जो है डिस्कार्ड किया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता। तो ये सारे जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, ठीक है, बंची टॉप बनाना, बंची टॉप वायरल डिजीज के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। देखिए जो नेक्स्ट डिजीज है बनाना की, वो है, जस्ट अ मिनट, देखिए वो जो डिजीज है वो है इंफेक्शियस क्लोरोसिस। इंफेक्शियस क्लोरोसिस कुकुम्बर मोजेक वायरस जो है इसे कहा जाता है, वायरल डिजीज है। ये जो डिजीज होती है बेसिकली क्रॉप को बहुत ज्यादा हार्म करती है। अराउंड 20-80% जो ये डिजीज होती है वो पुअन कल्टीवार में देखी जाती है, रिपोर्ट की जाती है बहुत फ्रिक्वेंटली पुअन कल्टीवार ऑफ बनाना। पुअन जो कल्टीवार है बनाना का, उसमें फ्रिक्वेंटली ये डिजीज जो है रिपोर्ट की जाती है। देखिए इसमें जो है क्लोरोटिक येलो लाइनर डिस्कंटिन्यूस स्ट्रीक्स जो है शो होते हैं, कुछ इस तरह से जो है ये शो होते हैं, और अपवर्ड कर्लिंग जो है लीव्स की होने लगती है। देखिए ये वाली इमेज, अपवर्ड कर्लिंग होने लगती है लीव्स की, ट्विस्टिंग होने लगती है, ठीक है, बंचिंग ऑफ लीव्स एट द क्राउन, क्राउन में जो है लीव्स की बंचिंग होने लगती है। तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं डिजीज के, ठीक है। और जो डिजीज प्लांट होते हैं वो बेसिकली ड्वार्फ होते हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस बंच प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ड्वार्फ टाइप हो जाते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड हो जाती है, ठीक है। और जो इसके जो वायरस होता है, इसका जो वायरस होता है बेसिकली वो इन्फेक्टेड सकर्स और एफिड से जो है स्प्रेड आउट होता है, एफिड और इन्फेक्टेड सकर, ठीक है। यहाँ पे भी वेक्टर जो है वो एफिड है, एफिड इसका वेक्टर है, और साथ में जो इन्फेक्टेड सकर्स होते हैं वो भी जो है डिजीज को इन्फेक्शन कॉज होने का कॉज होते हैं। तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, तो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को सबसे पहले जो है रिमूव किया जाता है फील्ड से, उसके बाद डिजीज फ्री सकर्स यूज किए जाते हैं, और वेक्टर को जो है स्प्रे किया जाता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से 0.1%। तो देखिए जहां जो भी वायरल डिजीज होती है उनके वेक्टर को सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि वेक्टर इज द ओनली मीडियम टू ट्रांसमिट द डिजीज। तो इसीलिए जो है वेक्टर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपसे वेक्टर पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप इंसेक्ट का नाम देंगे, अगर वायरल डिजीज है, अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिजीज में बताया इन्फेक्शियस क्लोरोसिस का अगर आपसे वेक्टर पूछा जाए तो इसका वेक्टर भी जो है एफिड है। अगर पूछा जाए कि डिजीज का सोर्स क्या है, तो डिजीज का सोर्स देखिए इन्फेक्टेड सकर्स हैं और एफिड, दोनों ही जो है ये इसके डिजीज को इन्फेक्ट, जो इन्फेक्शन होता है उसे कॉज करते हैं, मतलब उसे जो है स्प्रेड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सोर्स होते हैं डिजीज को, डिजीज के स्प्रेड आउट होने के, लेकिन वेक्टर जो है इसका एफिड होगा, फाइन। तो एफिड इज अ वेक्टर फॉर इन्फेक्शियस क्लोरोसिस डिजीज ऑफ बनाना। सो दिस इज ऑल अबाउट बनाना। बनाना की जो सारी मेजर डिजीज थी, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेजर डिजीज ऑफ बनाना। जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसमें नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप की या नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप की जो है डिजीज हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। सो टिल देन यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।